यहाँ पे मोहतरमा साहब मना करते हुए कुछ बच्चोदी एलिडिस, जैसा कि आप देख ही रहे हो यहाँ सारे राइडर्स आ चुके हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पे सारी बाइकें लगी हुई हैं और दिस इज़ निंजा 1000 रॉयल इनफील्ड और ये सारी बाइकें स्पेशली कानपुर से आई हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, अबे बिक्री कर लो कुछ, भैया को किराया देना। अब वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं निकल रहा हूँ लाइन सफारी। टुडे इज 26 जनवरी एंड कुछ राइडर्स आ रखे हैं कानपुर से, सो आई एम गेटिंग कॉल एट मॉर्निंग टाइम, आई गॉट लेट, तो ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अभी हम चल रहे हैं वाया मार्केट, क्योंकि बाहर से निकलेंगे तो काफ़ी रश होगा और रश क्या, घर ही मेरा मार्केट में है तो उसके चक्कर में मुझको निकलना पड़ रहा है। यहाँ पे भी जाम है, आई डोंट नो एम्बुलेंस है तो माइट भी कुछ मिस हैपनिंग हुई है, एक्चुअली आई एम टू लेट बिकॉज राइडर्स दे केम फ्रॉम कानपुर एट मॉर्निंग 9 o'clock एंड राइट नाउ द टाइम इज 2:40, माइट बी द साउंड इज डिस्टर्बिंग यू गाइस बट आई एम कंफर्टेबल, वाइजर को बंद नहीं किया है तो काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, ठंडी ठंडी हवा सकून देती है। रिएक्शंस क्या ही करते हैं, रोज़ इतने रिएक्शन लेके, एवरीवन नोज इन इट आवा लाइक आवा, is not closed. हम कर लेते हैं वाइजर को, अभी मैंने कर लिया है क्लोज, प्रोफेशनल साउंड आती है, वैसे सिटी वाली आवाज भी है बट थैंक गॉड आज धूप निकली है तो शॉर्टकट लेते हुए और हम आ गए हैं सीधा लाइन सफारी रोड पे, लाइन सफारी रोड पे आ गए हैं और चलेंगे आज लाइन सफारी के अंदर भी। और यहाँ आप देख सकते हैं इटावा सफारी पार्क, दिस बास्टर्ड इज कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, तो फाइनली टुडे हम लोग जा रहे हैं लाइन सफारी के अंदर और सामने देना पड़ेगा टोल टैक्स, आई डोंट नो इट्स अराउंड 250 आई थिंक सो, बट अधिक भाई गेट पे हूँ, पर्ची ले रहा हूँ। अरे गेट पे है क्या? हाँ तो आप तो बाहर ही निकल ले, तो आ जाओ फिर बाहर ही मिल लेते हैं या अंदर आ जाऊँ? क्यों यार पार्किंग होता हुआ निकल जाऊँगा, नहीं दोगे? देखा तो गाइस फाइनली इटावा वाले ने मना कर दिया है कि इनको लेना पड़ेगा अपने पर्ची। हाँ चलो मैं फिर बाहर ही मिलता हूँ आपको, एग्जिट गेट क्यों, एग्जिट भी यहीं से ही है, चलो आ जाओ मैं एग्जिट गेट पे ही खड़ा हूँ। तो गाइस जैसा कि आपने देख रहे हैं गार्ड साहब ने कह दिया कि अंदर जाने के लिए
दे वुड चार्ज, इसको बोलते हैं टावा वाले जिन्होंने एंट्री भी नहीं ली है हमसे। ठीक है चलो देखते हैं अंदर राइडर्स के साथ। और फाइनली माय गॉड, जैसा कि आप देख ही रहे हो यहाँ सारे राइडर्स आ चुके हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पर सारी बाइकें लगी हुई हैं और दिस इज़ निंजा 1000 रॉयल इनफील्ड, और ये सारी बाइकें स्पेशली कानपुर से आई हैं और यहाँ पे मोहतरमा साहब मना करते हुए कुछ शुदी कुछ हैं तो फिर वैसा ही कुछ होगा। दिस इज हार्ले BMW, हम भी उन्हीं के साथ ही जाएंगे, साथ में ही जाएंगे साथ में। तो यहाँ पे करेंगे अपन गाड़ी को पार्क। आगे जगह है? अरे नहीं है, सब अपने साथ में ही है। और यहाँ पे लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा शूट करते हुए। तो फर्स्ट वन इज हार्ले डेविडसन ड्यूक पल्सर और हंटर, देन BMW सुजुकी ड्यूक, एंड दिस इज डोमिना बजाज KTM रॉयल एनफील्ड, एंड दिस इज अवर बीस्ट। देन वी हैव अनदर एडवेंचर बाइक, आई डोंट नो द नेम एक्चुअली, आई एम not so good, but this is Kawasaki. Okay, baki sari bikes almost will meet up very soon. ले लो यार, हम तो दावा देंगे ये लोग आ रहे हैं बाहर। VIP स्कूल मैं तो डावा का हूँ यार, यूपी 75 छाबड़ा। नहीं वो लोग राइडर आए थे, वो कानपुर से आए थे, वो क्लब वाले थे, उनको फॉलो होता है ना, अपना अपना क्लब है तो साथ में दूसरे लोग भीड़ में जाए, तो हमने भी कहा हाँ वो लोग बस आए थे तो हम लोग वेलकम कर रहे हैं, उनका फोन आया था करके ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो मिलो यार। हाँ तो ले लो यार, उधर जाऊं क्या, उधर जाऊं, उधर जा यार, वो मेरे अंदर जा कर लो भाई। राइडर यहाँ से जा चुके हैं, बाकी यहाँ पे मुझे कुछ फॉलोअर्स मिले थे जिन्होंने मुझे रोका है, तो वो तक जाने के बाद अब हम लोग भी चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं उसी जगह और यहाँ से करेंगे अलविदा। चलो ठीक है गाइस,
चलो ठीक है ठीक है। फाइनली हम आए GGIC स्कूल और यहाँ कुछ अवार्ड्स दिए जाएंगे। और यहाँ हमारा वेलकम हुआ और हमको दिया गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की तरफ से सर्टिफिकेट एंड मेमेंटो। एंड फिर हम लोगों ने साथ में किया लंच। अभी हम लोग जा रहे हैं घोड़ा चाय और यहाँ था फाइनली वी आर इन घोड़ा चाय। ब्लॉग को करते हैं यही एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।